सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वाली वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ, जो हमारा वर्ल्ड है वो अभी तक बिल्कुल से सिक्योर नहीं है। तो उसके लिए हमको आज एक वॉल बनानी है ताकि हमारा वर्ल्ड सिक्योर हो जाए और यहाँ पे कोई भी जो ये क्रीपर वगैरह स्पॉन हो रहे हो। और मैं अभी बीच में खेलने आया था तो मेरे विलेज में पिलेजर्स आ गए थे, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि अब फटाफट से बनानी पड़ेगी वॉल, नहीं तो फिर इनकी तादाद और बढ़ गई तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो चलो, मैंने जगह भी सोच ली है, आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। मेरे पास सामान भी पूरा है, बस मुझे जाके बनाना ही है। बस सामान इकट्ठा तो कर लिया मैंने। मैं सबसे पहले सामान ले लेता हूँ क्योंकि सामान ज़रूरी है। कहाँ से जाऊँ यार, मैं ही भूल गया कि मेरे विलेज में से कहाँ। भूख लग रही है, रुक जा गाइस, कुछ खाने को लेके आते हैं। सो गाइस, वो जगह ये रही जहाँ पे मैं मेरा बनाऊंगा वो गेट। तो इसकी जगह मैंने सेंटर ले लिए इससे। तो चलो, अब मैं काम करता हूँ, आपको डायरेक्ट मिलता हूँ बना के। सो गाइस, एक बात बताऊँ, मैंने वॉल तो कंप्लीट कर ली और गेट भी, पर आपको पता है रात के कितने बज रहे हैं। मैं खाना खाने के बाद वीडियो शूट करने बैठा था और अभी रात के बज रहे हैं 4:30। यस गाइस, 4:30 बज रहे हैं। मतलब मैं बनाने के लिए बैठा था 12 बजे, उसके बाद फिर मैंने ये आपको दिखाया नहीं, क्यों, मैं गलती से यहाँ आ गया। तो ये मैंने यहाँ बनाया था और मैं, हाँ वैसे तो मेन फोकस वॉल पे है, तो ये वाली वॉल भी बनाई है, ये भी अच्छी लग रही है, आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। हाँ तो मैं ये बोला था 4:30 बज चुकी है और मेरे को बनाते बनाते कम से कम 3 से 4 घंटे हो गए, सुबह होने वाली है। ये वॉल आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी लग रही है अब। और वो वॉल इतनी डेंजरस बनी है ना कि आप पूछ नहीं सकते। यहाँ मैंने कुछ बोट वगैरह ला कर रखी है और वहाँ पे भी अच्छा लग रहा है वो। ये पीछे से एंट्री, आपको शायद मैंने इसका टूर दे दिया था, फिर भी और दे देता हूँ। नीचे मुँह करके जान दो, यहाँ कुछ ऐसा बनाया था, शायद से दिख गया, गेट दिख गया। नीचे मुँह करके चलेंगे, इसको भी तोड़ना है। मेरे पिकैक्स वगैरह सब इसके अंदर है। इसको भी तोड़ो, अब मेरे को वहाँ जाने। चलो, वॉल तो दिख गई पर इनकम्प्लीट है। सो ये रहा गेट, फ्रंट से जाके दिखाता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे आपको। इसके अंदर मैं सोच रहा हूँ ऑटोमेटिक गेट भी लगा दूँ, पर अभी नहीं, ये नॉर्मल कासल सरी भी बना दिया मैंने, गेट का गेट भी बन गया। ये देखो गाइस, ये साइड से ये वॉल जाती हुई भी कितनी बेहतरीन लग रही है। मतलब पहले सामान ढूंढ के लाओ, उसके बाद फिर क्राफ्टिंग करो, बहुत मेहनत लगी गाइस इसके अंदर। इतनी मेहनत मेरे को नहीं लगता आज तक मैं किस चीज़ में लगी है। ये यहाँ छोटे छोटे टावर्स बनाए, टावर्स के अंदर मैं गेट लगा सकता हूँ वैसे। सो ये आपको दिखाता हूँ वॉल, अभी तो वॉल इनकम्प्लीट है। इधर नीचे का पोर्शन आप देख सकते हो, सब दिख ही रहा है। मैं इसके लेवल में लाना है मेरे को, ये वाली जो है ना, इसके लेवल में। इसके लेवल में कैसे लाऊंगा मैं, मतलब ये जो स्टेयर्स है ना, इस टाइप से लेके आऊँगा ताकि ये जो हमारा ये विलेज बना हुआ है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद से
एक फार्म बनाने वाला हूँ, तो मुझे बताना कि कौन सा फार्म बनाना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से एक फार्म बनाऊंगा। और मैं इसके ऊपर तो नहीं जा सकता वैसे, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा सोर्स नहीं बनाया। मुझे अगर ठीक लग रही है वॉल, थोड़ी सी ना एक डेंजरस वाइब दे रही है, मतलब एक एक हेवी वाइब दे रही है, बढ़िया है। आप सोच सकते हो कि एक माइनक्राफ्ट प्लेयर ही समझ सकता है कि इतने सारे जो ब्लॉक्स होने, इनको कहाँ से लेके आना पड़ता है। पहले अगर बस सिल के टच हो तो आप स्टोन तोड़ सकते हो डायरेक्ट, पर मुझे है ना फर्नेस में डाल के करना पड़ा था कि मैं ये स्टोन ब्रिक्स बना पाऊँ। मेरे फर्नेस में भी अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वॉल कंप्लीट नहीं हुई है। आपको दिखाता हूँ, उस साइड से भी बाकी है अभी, तो ये देख सकते हो। इसके यहाँ पे मुझे कितनी मेहनत लगी कि आप समझ सकते हो। इसमें क्या क्या करना है, मैं सीधे जाऊँगा तो ये सामने पेड़ आ जाएंगे। मुझे कहाँ तक कवर करना है, वो जो आपको दिखाई थी लास्ट बॉर्डर, ये आपको लास्ट बॉर्डर तक ले गया था मैं अभी बीच में। वो लास्ट बॉर्डर देखो, वो ये जो ये प्लस का आइकन है ना, यहाँ पे यहाँ तक ले जाना है। और हो सकेगा तो मैं ये इसकी ये जो रिवर है इसको भी मेरे अंडर ले लूँ, पर अभी तो कुछ नहीं है, देखते हैं आगे चल के। अगर बन जाए तो आपको घुमा के लाता हूँ थोड़ा सा। ये वाली चीज़ भी बहुत प्यारी लग रही है, एक अलग ही दिख रही है विलेज के अंदर। देखो ये रही लास्ट है बॉर्डर, ये रही। देखो इसके यहाँ तक लेके आना है। और मेरा वो कहाँ है, पीछे या पीछे, हाँ वो कहाँ है, देखो ठेट वो रहा। बस ऐसे ही करते करते इसको है ना ये पूरा भर देना है, ताकि मैं इसको एक नंबर बनाऊंगा। जरा अभी टाइम की भी कमी रहती है तो वीडियो बना नहीं पाता हूँ। इसको कवर तो मैं पूरा कर लूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि जो साइड में वॉल हो ना इसको भी कंप्लीट कर दूँ। हाँ उस साइड तो मैंने इसको लगा दिया है, अब उस साइड से दिखाता हूँ। बहुत प्यारा बनाया मैंने, और इस साइड से देखने में और ख़तरनाक लग रहा है। ये देखो, मतलब अभी इतना इतना पोर्शन कितना खतरनाक दिख रहा है, ये देखो गाइस। और हाँ मैंने तो एक और चीज़ बनाई है, आपको दिखाना ही भूल गया। ये साइड में मैंने ये फार्मिंग भी करी है, और उस साइड में मैंने ये सोचा है कि अपने वो शीप्स वगैरह इनको ला के रखूँगा। ये देखो यहाँ पे, और यहाँ मैंने वो फायर अपना बोन फायर की वो लिए मदद, ताकि वो एक छत छत वाली लुक दे। इसके अंदर मैं यहाँ पे पिग लाऊंगा, यहाँ पे काऊ लाऊंगा, और उसके वहाँ पे लाऊंगा मुर्गियाँ, मुर्गी पालन भी खोलने। अरे तोड़ का रही गई, सीधे ही तेरी अटक गया, गई हैंग हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।